सर अक्षय कुमार हेलो एवरीवन नमस्ते टुडे वी आर हियर टू स्पीक अबाउट सी एंड सेलिब्रेट एक ओंकार जैसे आप सभी जानते हैं कि एक ओंकार का मतलब क्या होता है वेरी सिंपल जो नहीं जानते देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट गॉड इज हु Your God, whom you follow. It is such a simple thing. और वैसे भी मैं Are we going to show the trailer? Yeah. Now? You're going to release? Now? First you will release the song and then the trailer. ठीक है. So now, आरती. How are you की आदत? नमस्ते जी. ये एक ऐसी फिल्म है मैंने आज से करीबन एक सवा साल पहले मैंने ये फिल्म देखी थी और मैंने अपनी मतलब एक ही दिन के अंदर दो बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन एक दिन के अंदर दो बार ये फिल्म मैंने जाके देखी एक मैंने अकेले देखी और एक मैंने अपनी मम्मी के साथ देखी थी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म इट्स अ ब्यूटीफुल बिलीफ एंड आई होप यू गाइस लाइक इट सो जस्ट वॉच दिस लवली सॉन्ग पहला गाना दिखा दिस अ लवली सॉन्ग आई होप यू गाइस लाइक इट क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं जो इनको पूछना है फिल्म के बारे में क्या कुछ इसकी विवादों से जुड़ा हुआ चल रहा है और कल क्या होने वाला है क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इसमें कोई सुनवाई जो एसजीपीसी के साथ में एक साल तक इस फिल्म को ठीक किया था जो जैसा ये चाहते थे गुरु साहब को हम किसी रूप में नहीं दिखा सकते हालांकि पिक्चरों में आते हैं बड़े रूप में दिखाते हैं लोक दुनिया बट हमने इस फिल्म में एक लॉ की तरह एक अग्नि में उस तरह से जिस तरह से एसजीपीसी ने कहा थोड़ी सी बड़ी आकार है 15-20 फुट की है बट जिस तरह से उन्होंने कहा उसी तरह से दिखाया है तो एसजीपीसी से जो अप्रूवल हुआ है वो अल्टीमेट था जब तक वो नहीं हुआ हमने इसको बाहर में लाना ठीक नहीं समझा कल कोई सुनवाई नहीं है इस फिल्म जी नानक शाह फकीर की पूरी टीम नूं बहुत बहुत बधाई दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुक माई शो हाँ जी सत श्रीकाल जी मेरा सवाल अक्षय भाजी तो है अक्षय भाजी दिस इज तुसी तीन बार सिख के कैरेक्टर आ चुके मतलब बीट सिंग इज किंग सिंग इज बिंग और केसरी सो वेन एवर यू डॉन द टर्बन डू यू फील अ सेंस ऑफ प्राइड और डू यू फील दैट योर पर्सनैलिटी गेट इनहेरेंस प्लीज टॉक अबाउट दैट वेन एवर यू डॉन द टर्बन व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट हुणे मैनू पंजाबी बोलना अभी मुझे कहा गया कि मैं बहुत पतला हो गया और मैं ये बता सकता हूँ कि अब मैं केसरी की शूटिंग के लिए कल जा रहा हूँ और सिंस लास्ट एक डेढ़ महीने से मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो जब भी मैं सर पे ताज पहनता हूँ मैं अपने आप चौड़ा हो जाता हूँ सो तो आई वुड जस्ट वॉन्ट देम टू से कि बाबा जी कल कभी मेरी शूटिंग पर आओ तो मैंने देखो सर से ताज पा के मैं अपने आप मोटा लग रहा मैं Ma'am, tell me honestly, when you saw the trailer, if you were with me, I mean say, if you were me, wouldn't you back the movie? Yes, will it attract more eyeballs if an actor of your stature would come on board? I'm not doing this because of any kind of thing, because I believe in, the first thing when I came here, I spoke about Ek Omkar. I believe there's only one God, and that God is the God whom we believe in. So that I, and also,
there's one very big reason also in this film. But would you like to tell them about the woman thing? So, what Akshay wants me to talk about is what has touched him the most, and he wanted to release that during the Women's Day. It was Guru Nanak's words on Bhand Jamiye, on women. He said, we are born to women, conceived by women, we travel with women. And we, if a woman dies, we marry another, and then continue with our journey. Then Guru Nanak Sahib says, so kyu manda akhiye jit jame rajan. And his last line is, Nanak bhando bhara eko sacha soye. He gave women a padvi of next to God. Ki sirf God, Paramatma, aurat se paida nahi hua, baaki sari srishti aurat se hui. To hum usko demean kyun karte hain? आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत नॉर्दर्न बेल्ट में है. इन फीमेल इन्फेंटिसाइड में रेशो बिगाड़ के रख दिया है एक बेटा बेटा की ख्वाहिश में, जबकि बेटी गुरु साहब ने इस फिल्म में एक मिनट का डायलॉग है जिसमें उन्होंने इस डायलॉग को बोला है. ये मैसेज अपने देश की प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन लेकिन भाजी मैं आपको बताऊँ कि जिस हिसाब से वेमेन आर नाउ कमिंग इन इंडिया, अभी तक हम बेटी बचाओ करते आए हैं. ट्रस्ट मी अनदर 5 years 10 years इल बी बेटा बचाओ. हेलो अक्षय सर, इन आई रिमेंबर इन नमस्ते लंदन देयर वाज अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ यू गोइंग टू अ मॉस्क एंड यू रन इनटू पेन पटेल्स कैरेक्टर एंड यू टेल हिम हाउ अ फादर सॉर्ट ऑफ पासेस ऑन हिज सेंटीमेंट्स थ्रू हिज रिलीजन टू हिज सन. And it's a beautiful scene. Is there any memory of yours of going to, let's say, the Gurudwara with your mom or dad that has touched you, or sort of your first spiritual experience as a kid? My memory, which is with my grandmother. हम लोग चांदी चौक में रहते थे, तो मेरी जो नानी थी मुझे शीशगंज गुरुद्वारे लेके जाया करती थी, और वहाँ मैं गुरबानी सुनने नहीं जाता था, वहाँ मैं प्रसाद खाने जाया करता था. और प्रसाद खाने जाता था, लेकिन पता क्या हो गया, वो वहाँ जब मैं जाता था तो जो गुरबानी चलती थी वो दिमाग में ना एक रोज़ आप सुनते रहो तो वो बैठ जाती थी. तो इसीलिए मैंने, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गुरबानी गाई है, निर्गुण राख लिया. सो वो मेरी नानी मुझे लेके जाया करती, वो मेरे दिमाग में रह गई. तो एक दिन मैं भूषण जी को जाके, टी सीरीज के जो मालिक है, उनको कहा कि यार मुझे एक गुरबानी गानी है और मैं गाना चाहता हूँ, और तो उसको रिलीज कर देना. एंड दैट गॉट रिलीज, एंड दैट इज द मेमोरी आई हैव विद मी. वेरी स्वीट, थैंक यू. Actually, this movie faced a lot of issues in terms of releasing, and it faced a lot of protest from Sikh people only. Even Padmavat had faced a lot of protest, for which you had, you know, shifted the release date of your movie. Do you think today creativity is at stake? Today's creativity at stake, Abhishek? I don't think so. People have to understand, they get... Kya hota hai, kabhi-kabhi kuch cheeze hum banate hain jo is not up to the mark. So sometimes somebody comes with it and they comes and give good suggestion. So jaise is film ke liye hame right suggestion mile aur us suggestion ko humne follow kiya, inhone follow karke film ko dekha aur fir film mein aur zyada nikhar aayi. So that is what it is. That's it. Main intervene karna chahunga, ye trailer aisa nahi tha. To thode din pehle Kesari ki shooting se wapas aaye, कहते हैं कि आप आ जाइए, जैसे लैंड किए हेलीकॉप्टर आई सैट विद इन द कार, ही सॉ द ट्रेलर इन द कार एंड ही सेज ये ट्रेलर को चेंज करिए. एंड आज जो आपने डबल दोबारा चलवाया है उसमें भी पीछे काम किसी और का था. तो अक्षय नीड्स टू बी गिवन क्रेडिट फॉर दैट. हरिंदर जी, आई रेड समवेयर दैट ड्यूरिंग, कैन यू सी मी? Harinder ji, is it true that while shooting for this film in Gujarat, when problems arose, it was Narendra Modi who came to you and rescued? If yes, then could you just tell us how, what did he do to help you out? This is a very difficult thing for me to explain this. I have received support from angels, and I felt them. It's easy to say this, but I felt something on my shoulders all the time.
I was disallowed to shoot in Bhuj. I was disallowed to take the boat into the oceans. And this boat was 200 years old, and or to be looking like that, which you saw on the. So, मुझे बोलते थे कि boat इतना चल नहीं पाएगी. So I said, ये परमेश्वर देखेगा. But collector ने मना कर दिया. तो हमने एक टेलीफोन किया चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में. तो चीफ मिनिस्टर साहब फ़ोन पर आ गए. ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है. उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाइए, समझाइए. मैं और समर सिक्का मेरे को प्रोड्यूसर हम वहाँ गए. उन्होंने करीब डेढ़ घंटा मेरे से बातचीत किया. फिल्म के बारे में बात नहीं किया, मैं किस तकलीफ़ के लिए आया हूँ ये बात नहीं किया. और मुझे अंदर में इस फिल्म को बनाते बनाते इतना विश्वास हो गया था कि जो हो रहा है मेरे साथ में अच्छा हो रहा है. वापस आया तो तब तक मेरी सब अप्रूवल्स पहुँच चुकी थी. हम ये शिप लेके गए 25 माइल्स इनसाइड 24 जून 2013. वापस आ गए. हमारे पास पूरी लाइफ बोट्स लाइफ जैकेट्स नहीं थी, 200 का क्रू था. दूसरी बार फिर गए दूसरे दिन 25 जून 2013 को और वापस आ गए. और जब वापस आए तो सिर्फ 5 फीट का पानी रह गया था जट्टी के पास में. और जब हम बैठ वापस आके पहुँचे, शिप को वापस लगा दिया, रोप्स वोप से टाइट कर दिया, शिप वहाँ बैठ गया. ये कहीं भी हो सकता था. तो मोदी साहब ने इतना ज़रूर किया था कि उन्होंने बिना मुझे ज़्यादा बताए, बिना एहसान दिए. ऐसे ऐसी घटनाएं हर जगह हुई हैं. पंडरपुर में हुई हैं, जहाँ पर कि हम शूटिंग कर रहे थे और कुछ लोग बोलते थे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो शूटिंग नहीं करने देंगे. तो हमने उद्धव ठाकरे जी को फ़ोन किया, वो भी लाइन पर फ़ोन पर आ गए. ऐसा होता नहीं है, आप लोग जानते हैं. और वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर एक से ज़्यादा घंटा हमारे साथ बिताया. और उन्होंने कहा था कि हम इस गुरु नानक साहब की फिल्म को किसी को छूने नहीं देंगे. वो जितने माफिया जितने बैठे थे वो सब चले गए थे. तो ये कौन करवा रहा था मैं नहीं जानता हूँ, बट जिस जिसने इस फिल्म को देखा है, मैंने इसलिए कहा कि SGPC का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बारीकियाँ ढूंढी हैं. पहले तो उनको विश्वास नहीं था कि हम ये फिल्म उतार लेंगे, बहुत नुकसान की बात थी. 40 कंट्रीज में देश चल रही थी. हमने उतार लिया इस फिल्म. हमें इस फिल्म से अगर प्रॉफिट नहीं चाहिए तो मुझे आप नुकसान करा ही नहीं सकते. उन्होंने बहुत मदद किया, एक साल तक काम किया. यहाँ बाबा जी बैठे हैं, कोई इन्होंने ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर हमें मदद नहीं किया. तो SGPC का मदद करना, वो ट्वीकिंग करना ताकि सही मैसेज बाहर जाए. Any plans of organizing a special screening for Modi ji? देखिए, मैं एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए, ये गुरुद्वारा की तरह है. एक गुरु नानक साहब बहुत बड़े हैं सबसे, जिनको जिनकी किस्मत में होगा ये ब्लेसिंग्स लेना. आपने आरती देखी है. एक आम आदमी जिसे कैमरा से फ़ोटो खींचना नहीं आता, वो ये खींच सकता था? तो ऐसा क्या हुआ कि एक इतना बड़ा कारवां चल पड़ा और 1500 लोग दिए के लाइट में इस तरह से आरती उतार के चले गए. कैसी आरती हुई, भव खंडना तेरी आरती. मेरी तो औकात नहीं है. तो दिस फिल्म वॉज रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई गुरु नानक. हाय रसिक, ऐसे फिल्मों के साथ है ना, ऐसा ही होता है. मुझे अभी भी याद है बचपन में एक फिल्म बनी थी, जय संतोषी माँ, आपने देखी होगी. जय संतोषी माँ बनी थी तो एक साल कोई खरीदार नहीं था उसका, और वो जो जिसने बनाई थी वो चांदनी चौक में ही रहता था. और मुझे अभी भी याद है हमारा पड़ोसी था, तो कोई खरीदने आने को तैयार नहीं, कुछ नहीं करने को तैयार. वो एक सवा साल हो गए कोई खरीदने को तैयार नहीं. और ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन इट, लॉट ऑफ मनी. कैसे ना कैसे किसी ने फिल्म उठाई, बोला चलो हम रिलीज करते हैं. उपकार के हिसाब से उन्होंने फिल्म रिलीज की. एंड द काइंड ऑफ बिजनेस दैट फिल्म हैज डन, इट वॉज ह्यूमंगस, ह्यूमंगस. सो देर आर फिल्म्स विच आर लाइक दिस. ऐसी मुझे अभी भी याद है शिरडी के साईं बाबा मनोज कुमार साहब ने बनाई थी फिल्म, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था. एंड देन द काइंड ऑफ बिजनेस दैट फिल्म डिड, देन सो मेनी मेनी थिंग्स आर देयर. ही इज ऑल्सो फेस्ड, I have been with him since 1.5 years. I know him 2 years. I know him, and
he's spoken to me, we have spoken at night, and the kind of problems he went through, and then everything, how he came through it. मतलब मैंने नहीं देखी बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं जो रिलीज हो जाती हैं लेकिन री रिलीज मैंने आज तक नहीं देखी उस एक फिल्म को रिलीज री रिलीज होना इतने जन आना आके लोगों को देख लोग देखेंगे फिल्म को इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये एक इट्स अ मिरेकल व्हिच आई एम माइसेल्फ सीइंग इट दैट्स इट क्रिस्टल व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द फिल्म द टीचिंग्स एंड हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू When Mr. Sikka approached me to do the sound design for the film, he came through some other references and references and references. So we started talking, you know, a lot of things about the film. And we have this tendency, you know, in the industry, if somebody talks too much, then there's something wrong in this whole thing. So I thought, I said, I want to see what you have done. So they showed me 40 minutes of the edited footage, and I was blown away by what I saw. And I said, I want to do the film. And I want to work on the film, and I want to put the right people behind the film. So I asked Air to score the movie, and he saw the movie, and he wanted to score the movie. He kept the movie with him for almost three and a half months. And I told him, yeah, you know, we have to release the movie. You can't keep it like this. He said, you know, he was working on Majidi's film at that time. And he frankly told me, look, I want to do the film so much, but I'm doing a similar film. So what I'll do, I'll give you the best guy possible for this film. So he suggested me, this another composer who lives in Finland. But who has been living in India for 7-8 years and was a follower in India. And his name is Thomas Cantillon. He's a big composer from Hollywood. He's done Adventures of Hercules, he's done Mongol, huge films like that. And a man who has his heart, you know, an Indian heart. An amazing person. So with whom we sat. And I was going through the film and I realized that how come nobody has made a film about Guru Nanak Dev Ji? 500 years of Sikh tradition and its history, and nobody talked about his teachings. And I found parallels with Prophet teaching in the same way. And I saw the whole film is in the perspective of a follower of Guru Nanak Dev Ji, who happened to be a Muslim. And in the south, you have Swami Ayyappan, who is follower, who is a right-hand man, is another Muslim, Babar Gurudev Ji. So I thought, there are many, India has tremendous such stories of, you know, people from vastly different religion coming together to spread message of peace and love. And I thought I have to be part of this. And that's how my association came in. And, you know, we together co-produced the whole movie as it is, as you see. And I want to bring to your notice, guys, that A.R. Rahman Saab, Dr. Saab, Pandit Jasraj Ji, Thomas Gulzar Saab, Arif Zakaria, they have not even taken one single penny for this film. They have done everything for you. Samar? What? Straight up. तो मेरा रोल बेसिकली बिहाइंड द सीन्स था काफ़ी सारा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द शूटिंग हमने ये फिल्म 2010-11 में बनाने की सोची थी तो जितना इनिशियल प्रोसेस है उसको काफ़ी वक्त लग गया वी वेंट थ्रू स्क्रिप्ट राइटर्स एंड वी टुक अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड पीपल हु वुड सॉर्ट ऑफ मैच आवर विजन द विजन ऑफ यू नो व्हाट वी वांटेड टू शो नानक साहब की लाइफ चार उदासियों में 20-22 साल पे है उसको आप 2 घंटे में नहीं दिखा सकते तो उसको काफ़ी वक्त लगा एक उस पेपर पे सेट करने में थ्रू द प्रोडक्शन टुक अराउंड ईयर ईयर एंड हाफ सो इट वाज एक बहुत ही चैलेंजिंग अमेजिंग जर्नी थी कभी हमने यू नो फिल्म सेट पे गए नहीं थे कभी फिल्म बनाई नहीं हमने तो यू नो मेरे लिए बैंकिंग और फाइनेंस बैकग्राउंड से आके एक फिल्म बनाना उसका वेरी गुड एक्सपीरियंस और मेरा प्लान ऑलवेज
शुरू से यही था कि 3-4 महीने 6 महीने यू नो यू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट गो बैक टू योर ओरिजिनल फील्ड ऑफ टू माय ओरिजिनल फील्ड ऑफ वर्क व्हिच इज बैंकिंग बट मैं इतना इंग्रॉस्ड हो गया फिल्म में फिल्म मेकिंग में तो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद आई थिंक एनीवन हु इज एसोसिएटेड विद द फिल्म हैज बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड हैज स्टेड ऑन द फिल्म फॉर अ लॉन्ग टाइम अच्छा धार्मिकता आध्यात्मिकता विश्वास रखते हैं आप धार्मिकता आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस अच्छा पहले मतलब तो समझा मुझे धार्मिकता मतलब रिलीजियस एंड आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी सर इसमें विश्वास आई जस्ट बिलीव इन ह्यूमैनिटी आई जस्ट बिलीव इन हेल्पिंग others I just believe in all that that's it ek aur anurodh tha aapse sir pata nahi sabke mann mein ye prashn hoga aapko uchit lage to kahiyega kya aap haan karenge aise matlab jo baat cheet aa rahi hai khabar aa rahi hai ki matlab agar desh ki sansad se judne ka agar prastav aapko aata hai to kya aap judenge I think we should stay with the film sir, please let's not bring politics in please I'll beg you दो साल पहले जब तेलंगाना में 34 फार्मर्स ने सुसाइड किया था तो 3 ऐसी फैमिलीज थी जिनके माँ बाप ने माँ बाप दोनों ही चले गए थे उनके 3 बच्चे ईश्वर की कृपा से हमने अडॉप्ट किए तो मेरा पहला फ़ोन कॉल इनको गया था कि मैं इनको बॉम्बे लाना चाहता हूँ आप इनका प्रोत्साहन कीजिए मोटिवेट करिए इट डिड नॉट स्पेयर टाइम ही डिड नॉट थिंक ट्वाइस इसे आने दो इनको लेके आइए वी बिगैन ए प्रोजेक्ट कॉल्ड कल्टीवेटिंग होप विद NDTV अक्षय वॉज द एंकर ही डिड नॉट दिस नो क्वेश्चन ऑफ मनी ही डजेंट ही वॉज फुल फोर्स विद अस एंड वी रैन अ कैंपेन फॉर 6 months होपिंग दैट मैनी कॉपरेट्स एंड मैनी कॉपरेट डिड ज्वाइन इन सपोर्टिंग दैट कॉज सो एनी मेड अ स्टेटमेंट ओवर देयर अगर आपके किसान ने आपका अनाज उगाना बंद कर दिया तो आप सड़क पर आ जाएंगे एंड दैट स्टेटमेंट रैन थ्रू द मीडिया अक्षय अक्षय हाय यू यार गोइंग अक्षय डू यू थिंक द मैसेज दैट गुरु नानक यू नो हैज बीन प्रीचिंग और ट्राइंग टू से थ्रू दिस मूवी डू यू थिंक दैट मैसेज शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल पॉलिटिशियंस बिकॉज़ हु ट्राइड टू यूज रिलीजन टू क्रिएट वोट बैंक पॉलिटिक्स I believe in it, thoroughly I believe in it. There's only one God and that God is yours. And all these things of bringing religion in between everything should be like not done and it is not done. So I believe, I hope everybody follows that. Akshay, can we say that Bollywood is perhaps the most secular industry to be in today? Absolutely. Akshay, your answer? Yeah. थोड़ा elaborate कर दीजिए ना उसपे. I'm not that wise. Akshay, are you part of Mughal? Are you doing that movie? I myself don't know. Haven't signed on it. May I request you, ma'am? Please, let's focus on this film, Manak Shah Fakir, and the project related to this. We'll take a couple of questions more, and then we'll wrap up. नानक माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड और कहते हैं कि अगर आप किसी चीज की दिल से इच्छा करें तो पूरी की पूरी कायनात आपकी मदद करती है मुझे खाली इतना सपने में था कि ना तो आपने इस फिल्म के लिए किसी से पैसे मांगने हैं और ना ही इस फिल्म की कमाई घर में लानी है तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक छोटा सा आदमी बना के चला गया दैट्स व्हाई आई रिपीटेड दिस फिल्म इज रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय गुरु नानक अब मेरा नाम तो फिट हो गया बीच में कहीं बिकॉज किसी को तो फिट होना था तो प्रेरणा थी कि एक सपना था प्रेरणा थी कि एक बहुत बड़ा ड्रीम था और प्रेरणा ये थी कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो कि कन्वर्ट हुई रियलिटी में मिस्टर सिक्का जी
co-motor, he is no more with us today. I mean, he was a part of the film as well. He acted in the film, if I'm not wrong. Back when the film had released, the first time on, he had done a dharna, or sort of dharna, in, at a theater in Delhi. There were stories in Mumbai about the director not being given due credit. A cast member putting up a dharna was quite an interesting for a... Correct. I mean, would you enlighten what exactly happened? I can. Tom Walter, very fine gentleman, he gave me a person. I don't want to name him because if I do that, his career gets ruined. He was caught red-handed. First of all, anybody who did damage to the film, by God's grace, kisi kudrat ki wajah se pakda jata tha, not meri wajah se. This gentleman was caught. A.K. Beer was the director. But some, as I said, I had no knowledge and I trusted people blindly. So when something happened and he was caught stealing the film and selling it video rights to somebody, we removed it. He was not the full director, he was part director. When we filed an FIR with the crime branch, he was caught red-handed, recovered the film. We did not punish him. Guru Sahib ne, Guru Nanak ne apne throughout journey mein, Sajan Thag jaise hazaron thagon ko pakda tha, unko punish nahi kiya tha, unki soch badli thi. Humne kisi ko bhi is film mein gadbad karte dekha, kitne threats hai mujh par, physical threats hai, 50 lakh dijiye, nahi to shooting nahi karne denge. तो हमने किसी को किसी के खिलाफ में एक्शन नहीं लिया. जिसने माफ़ी मांग ली उसको परमेश्वर के नाम पे, गुरु साहब के नाम पे जाने दिया. तो टॉम वॉल्टर को इस बात का मेरे से गिला था कि इस आदमी को आप रखिए. तो मैंने उसको उनको रिकॉर्ड दिखाया था, 13 बार रिटन में और वर्बली माफ़ी मांगी है, पैसे गबन करने हुए भी. और टॉम वॉल्टर ने कहा कि मैं ये पैसे दे देता हूँ. तो मैंने उनको रिटन में ये नोट के लिए ईमेल में भेजा था कि मैं कैश नहीं ले सकता और उतना ही लूँगा वापस जितना चेक में उसने कबज किया. तो ये एक नेगेटिव सी बात है, थॉट है. पैसा कोई खा गया, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज ये पैसा मेरा था ही नहीं. यहाँ जहाँ से, जिसकी वजह से आया, जिसकी परमेश्वर की मर्जी से आया, कोई ले गया अपनी किस्मत का ले गया. बट हम किसी गलत आदमी को इसमें रखना नहीं चाहते थे, तो उसको निकालना पड़ा था. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. नेशनल अवार्ड मिला था जी, सेम ईयर दैट बाहुबली आर रिलीज, जी बाहुबली टू द नेशनल अवार्ड्स जी फॉर कॉस्ट्यूम एंड मेकअप एंड नरगिस द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन. सतीश कौशिक जी एक एक्टर हैं बहुत बड़े, वो मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं पर आए कि दिल्ली में आप कहाँ हैं. वो बोलते हैं जी मैं जानना चाहता था कि आप क्या प्राणी हैं कि आपने, ए आर रहमान ने इस फिल्म को कंपेयर किया था विद लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तो वो जानना चाहते थे कि आप क्या हैं. मुझे उन्हें 3 घंटे समझाते हुए लगे कि इसमें मेरा कोई काम नहीं हुआ, ये कोई और कर गए. उन्हें बोले कि आपके अगर कोई आपकी जगह कोई और होता बड़ी पहुँच वाला तो ये फिल्म बहुत और जगह जाती थी. आपको कोई जानता नहीं है, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं यूनैनिमसली. तो गुरु साहब ने नेशनल इंटीग्रेशन, ह्यूमैनिटी इंटीग्रेशन के लिए काम किया, इस फिल्म को नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड मिला. तो कराने वाला कोई और. तो वायोकॉम ने ये फिल्म देखी थी और वायोकॉम में उन्होंने सुधांशु हैं, उनकी टीम होगी पूरी यहाँ प्रेजेंट, उन्होंने पहले कहा ये बात, ये आपको हैरानगी होगी, हम इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे, इस फिल्म का प्रॉफिट नहीं लेंगे. ये मेरे साथ नहीं क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी ताकत है जो कि ऐसे काम करा रही है? ऐसा क्या है कि अक्षय अपनी पूरी सिंगापुर की ट्रिप छोड़ के यहाँ आ गए? ऐसा क्या हुआ है कि इतनी इतनी महान हस्तियाँ मेरे साथ जुड़ी? ए आर रहमान, मेरे पास में उनको जाने का था क्या? और उन्होंने फिल्म देखी, इसने 40 फिल्म का मिनट देखा, और राहुल नंदा जिन्होंने पोस्टर बनाए हैं ऐसे लेने से मना करते हैं. थॉमस कांटेलनन फिनलैंड रहता है, वो बोलता है इस फिल्म में सोल है, मैं इस फिल्म से पैसे नहीं. तो कुछ बात है, जब आप देखेंगे पूरी फिल्म आपको पता लगेगा. इसलिए मैंने कहा जो ट्विकिंग किया SGPC ने, ठीक किया वो, उसका लिए बहुत धन्यवाद है, बिकॉज हम गलतियां कर गए थे बीच में.
जो डायलॉग्स नहीं थे वो कुछ नहीं था जो ठीक तरह से नहीं थे. थैंक यू एवरीवन. सवाल है आपसे. We'll have to stop over here. Yeah. तो आपने भी कहा था, we take one question. आपने भी कहा था कि हमें पैसा नहीं चाहिए. तो we want कि this film should be run successfully. तो जो पैसा इससे आएगा, will it be like a 10 month? Will it be for charity? आप कुछ कहना चाहेंगे इसपे? मैंने अभी आपको कहा था कि तेलंगाना में कुछ लोगों ने 34 फार्मर ने सुसाइड किया जिसमें 3 बच्चे थे. हम वो अडॉप्ट किए हैं. गुरु साहब ने कास्ट क्रीड को अलग हटके एक ओंकार को और कहा था कि लंगर में आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, हिंदू हो मुस्लिम हो, सर ढक के आपको कोई पूछ नहीं सकता आप किस मजहब से हैं, आपको लंगर सर्व होता है. ये उसी तरह से सर्व होगा और उसमें भी एसजीपीसी मुझे मदद करेगी. थैंक यू एवरीवन. वी गो एट विद द फोटो ऑफ